उन पर चुनाव के दौरान खर्च राशि को कम बताने और सीमा से ज्यादा रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल पर तय रकम से 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी खर्च में जो रकम दिखाई और चुनाव अधिकारियों के रजिस्टर में जो खर्चा दर्ज है उसमें अंतर पाए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संबंधित पीठासीन अधिकारी ने केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि जंतर मंतर पर हुए संगीत कार्यक्रम में उन्होंने जो खर्च किया, जो खर्च दिखाया, वे दिल्ली चुनाव आयोग के अपने रजिस्टर में दर्ज खर्च से मेल नहीं खाते। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक केजरीवाल ने उम्मीदवार के खाते में 3 लाख रुपए का खर्च दिखाया है, जबकि चुनाव आयोग के रजिस्टर में यह आंकड़ा 16 लाख रुपए का, एक उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। रवि सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। रवि, खर्चा जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, यह आरोप लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इस बार चुनाव आयोग काफी सख्त रहा है पूरे चुनाव के दौरान, और जहां जहां पे भी पॉलिटिकल पार्टियों के कम से कम जो बड़े प्रोग्राम होते रहे हैं वहां पर चुनाव अधिकारियों ने खुद ही मॉनिटरिंग की है, वहां पे वीडियोग्राफी की है, वीडियो फुटेज भी मंगवाई है और एक आकलन किया है कि जो मार्केट की प्राइस है उसके वैल्यू लगाया है कि आखिर में जो भी यूज किया, चाहे फूल हो, माला हो, तमाम ऐसे चीजें हो, उसका मार्केट का प्राइस जो पहले से ही फिक्स किया है चुनाव आयोग ने, और उसी आधार पर ये आकलन किया गया है कि क्योंकि 14 लाख का इस बार पर कैंडिडेट के हिसाब से जो एक कैंडिडेट खर्च कर सकता था चुनाव में, लेकिन 2 लाख रुपए ज्यादा बताया गया है, और जबकि जो चुनाव अधिकारी के जो रजिस्टर उसमें काफी कम शो किया गया, तो निश्चित तौर पर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इस बीच जो अरविंद केजरीवाल खुद अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है और उनको जल्द से जल्द इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस तमाम जानकारी के लिए रवि सिंह आपका।